हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टार पायल वत्स में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप जहाँ पर भी होंगे कुशल मंगल होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी लोगों के लिए फिर बहुत ही अच्छा लेसन लेकर आई हूँ और बहुत ही इजी लेसन है। जिनके क्या है, हैंड्स बिल्कुल भी नहीं चलते हैं ढोलक पर, रुक रुक के चलते हैं, और बिल्कुल भी जिनको ढोलक नहीं आ रही है उनके लिए ये लेसन बहुत अच्छा होने वाला है और सभी लोगों को ये सीखना चाहिए, क्योंकि ये ईजी भी है। इजी के साथ साथ क्या है कि जब आप इसको किसी भी गीत गाने पर बजाएंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छी इसकी धुन निकल कर तैयार होती है। तो उठा लीजिए आप भी अपनी ढोलक, मेरे साथ साथ बजाते रहिए। अगर ढोलक नहीं है तो कोई वेस्ट आप डिब्बा भी ले सकते हैं, या आपके पास लकड़ी का या प्लास्टिक का कोई भी सामान है, चेयर है, जिसपे से एक साउंड निकल कर आए उसके साथ उस पर आप बजाते रहिए और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अभी आपको ये ताल बजानी आ जाएगी, गीत गाने के साथ भी आपको बजा के बताऊँगी कि आपने इसको किस तरीके से बजाना चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस करें, वहाँ पे ऑल का बटन आएगा उसको जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँच जाए। इसी तरीके की वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा दूसरा भी चैनल है पायल वत्स गाने के नाम से, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बेस पर आपने कितनी बार बजाना है। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा लेसन है। देखिए, आपने इसमें बंद बेस बजाना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ आज खुले बेस में सीखेंगे और बेस सिर्फ आपने इसमें दो बार बजाना है। देखिए, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बजाते हैं फिर इधर इधर हैंड्स ले जाते हैं। नहीं, सबसे पहले आप जो आपके हैंड्स हैं ना, एक जगह ही आप बजाया करें, चाहे आप पेंसिल से हल्का सा निशान लगा लीजिए, वहीं बजाने की कोशिश करा करें। एक दो, एक दो, एक दो, ढीले हाथ से आपने बजाना है, एक दो। तो देखिए, बेस पर तो सिर्फ आपने दो बार बजाना है, एक दो। अब बात करते हैं चाटी की। चाटी पर देखिए आपने कैसे बजाना है। चाटी पर जब आप बजाएंगे, देखिए आपने गुरु फिंगर से इसको स्टार्ट करना है। देखिए, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। आप चाहें तो छः की मात्रा भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप इसको तीन को मतलब दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं ऐसे, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे बजाइए। अब देखिए, आप इसको लय में कैसे बजाएंगे, क्योंकि मेन बात आती है लय में इसको बजाने की। आप कोई भी ताल सीख लीजिए, समझ लीजिए, जब तक आप उसको लय में नहीं बजाएंगे किसी भी गीत गाने के साथ आपकी जो ताल है मैच करेगी ही नहीं। तो देखिए, आपने इसको लय में कैसे बजाना है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ला 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 ला। काउंटिंग के साथ जब आपके हैंड्स अच्छे से चलने लगे फिर आप थोड़ा सा गुनगुनाया करें ऐसे, ला 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 ला, हो हो। इससे क्या है, आपकी ताल मजबूत होती है। तो देखिए, यहाँ पर तो आपने तीन बार छः बार बजाना है, कैसे, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरीके से। और बेस पर भी मैंने आपको बता दिया, ओनली खुला बेस आपने बजाना है और दो बार। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको इसकी एक बार मैचिंग बता देती हूँ आपने कैसे इसको बजाना है। सबसे पहले आप बेस से इसको स्टार्ट करेंगे, देखिए कैसे, एक दो, फिर आप बजाएंगे एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन। गाने के साथ आपको बजा के बताऊंगी, बहुत ही अच्छी ताल लगती है फ्रेंड और बहुत ही इजी है। पहले आपको आप इसको स्लो स्लो बजाइए, फिर धीरे धीरे आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है। अब देखिए, जब हम ढोलक पर बजाएंगे एक दो, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन,
अब जब आपके हैंड्स क्या हैं, स्लो स्लो ऐसे जब आपके हैंड्स चलने लगे अपनी ढोलक पर, फिर आप इसको फास्ट कर दीजिए। देखिए कैसे, देखिए इसमें हल्का सा ना पंजाबी टच भी आता है। देखिए डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग 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 लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक। एक दो तीन, 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 एक दो तीन। अब गाने की अगर हम बात करें तो इसमें आप चाहे हिंदी गाना गाइए, चाहे पंजाबी गाना गाइए, हर तरीके का गाना आप इसमें गा सकते हैं। और फ्रेंड्स, कहरवा ताल, दादरा ताल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने बना रखी हैं। आप चैनल को पर नए हैं तो जाकर आप विजिट करिए। बहुत ही इजी तरीके से मैंने बता रखा है कि आप फास्ट से फास्ट गानों पर किस तरीके से ढोलक बजाएं। गानों के साथ भी मैंने बता रखा है कि फिल्मी गानों पर गरबा ताल, तो आप ज़रूर चेक करिएगा अगर आप नए हैं चैनल पर। तो देखिए आप इसको कैसे बजाएंगे। गाने की बात करें तो देखिए आप इसमें गाइए, चाहे देखिए आप, रात चांदनी चांद मेहरबान टिमटिमोंदी तारा में पिछली गली विच आजा सोनिया सोके पिंड दे सारी। रात चांदनी चांद मेहरबान, किसी भी मंत्र पर आप इसको बजा सकते। देखे जो बार बार मैं इसमें थपाक लगा रही हूँ वो आपने देखी कैसे बजानी है। दोनों हैंड्स को आपने एक साथ बजाना है। देखिए कैसे, एक दो तीन चार पाँच। अभी जो मैंने थपाक इसमें लगाई है, दो तीन गाने जो बजाए हैं, आप इस तरीके से इसमें थपाक लगा सकते हैं। देखिए कैसे, दोनों हैंड्स को एक साथ बजाना है और पाँच की काउंटिंग में। देखिए कैसे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन एक साथ बजेगा और फिर चार पाँच बजाना है। देखिए कैसे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो हल्का सा रुकना है, फिर तीन, फिर हल्का सा रुकना है, फिर चार पाँच। देखिए कैसे, एक दो तीन चार पाँच, 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 एक दो तीन चार पाँच। देखिए, एक दो तीन चार पाँच, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए धीरे धीरे। पहले आप धीरे धीरे हैंड्स जमाइए, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। और आपने ध्यान रखना है कि दोनों हैंड्स जब आप मारते हैं ना तो एक साथ आवाज आनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि इसको आप ज़्यादा दूरी पर रखेंगे और इसको कम दूरी पर, दोनों का आपने बराबर दूरी पर ही रखकर एक साथ मारना है। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। इस तरीके से आप
आप इसमें थपाक लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छी ढोलक आप सीखना चाहते हैं, मंजीरा आप बजाना चाहते हैं, तो इन दोनों वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्ते।